नमस्कार, ऑल इंडिया न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। इस वक्त उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के दुद्धी नगर पंचायत में स्थित राजकुमार अग्रहरी जी के आवास पे हैं, जो कि वर्तमान में नगर अध्यक्ष भी हैं। और आइए जानते हैं इनके दो वर्ष के जो अभी तक विकास हुआ है उसके बारे में एक परिचर्चा, छोटी सी चर्चा होगी, जिसके लिए हमारे क्षेत्रीय रिपोर्टर अनमोल गुप्ता इस विषय पे खास बातचीत करेंगे। मैं अनमोल गुप्ता, सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना अमूल्य समय हम चैनल को दिया। तो सबसे पहला सवाल है, आज हम सभी जनमानस के लिए सबसे बड़ी समस्या जल है। जैसा कि हम जानते हैं कि जल ही जीवन है, जल के बिना तो असंभव है हर किसी का जीना, तो जल से काफ़ी ज़्यादा समस्या है। जल के प्रति आपने क्या आपकी राय? सबसे पहले हम आप सबको प्रणाम करते हैं, ऑल इंडिया न्यूज़ को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं अपने नगर पंचायत में आने का। यह आपने एक अच्छा काम किया जिससे कि यहाँ की चीज़ों को हम शासन के स्तर तक पहुँचा सकें, इसके लिए हम आपको पहले बहुत बधाई देते हैं। हम बताएं अनमोल जी कि चुनाव जीतने के बाद जब मैं यहाँ आया तो इसके पहले मैं इसी नगर पंचायत में एक मेंबर के हैसियत से मैं यहाँ पर रहा, चूँकि जन्म भी मेरा यहीं हुआ और हम दुद्धी के चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा पहले से ही समझते थे कि यहाँ समस्याएं है क्या। तो जल की जो बात आपने कही, तो चुनाव जीतने के बाद हमें महसूस हुआ कि जो हमें हमारी सोच है कि व्यक्ति के शरीर में 70% पानी का हिस्सा है, तो सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है कि हम पानी का बेहतर व्यवस्था करें। तो हम यहाँ पे जो हमारा सप्लाई का सिस्टम है, हेमा नदी से एक हमारा संयंत्र है, वहाँ पे जो इसका फिल्टर का एक सिस्टम बना हुआ है तो वह बंद पड़ी हुई थी। हम जब आए यहाँ पे चुनाव जीत के दिसंबर 2017 में, तो तत्काल मैं उस पर फिल्टर प्लांट को चालू किया और उसके बाद एक डैम का निर्माण हुआ उस थेमा नदी पे, जिसके बाद से हम दुद्धी में इस 22 महीने के कार्यकाल में हमेशा अनवरत दोनों टाइम सुबह 5 बजे और शाम को 5 बजे सप्लाई का पानी देते आ रहे हैं। कभी भी गर्मी में भी हालात ये रही कि कभी बंद नहीं करना पड़ा। पहले क्या व्यवस्था था कि पानी का बहुत हाहाकार था, टैंकरों से पानी की सप्लाई होती थी, तो इस पर हमने नियंत्रण किया, कंट्रोल किया, सप्लाई पाइप के माध्यम से पानी दिया, वो भी फिल्टर युक्त किया। उसके बाद भी कई ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर हमारा सप्लाई का पानी नहीं जा पाता था, तो वहाँ पर हमने जो पानी टंकियाँ थी उसमें आरओ सिस्टम लगा के एक नए तरीके से वहाँ पे मुफ्त आरओ का पानी लोगों के लिए उपलब्ध कराया। आज हमारे ख्याल से उन 4-5 जगहों पे जो हम आरओ का संयंत्र स्थापित किए, लगभग 1,000 से 1,500 लोग डेली वहाँ पे जाते हैं, अपने बॉटल में भर के पानी घर में यूज करते हैं। और उसके कारण दुद्धी में लगभग हम देखते हैं कुल आबादी का 80% पानी आज शुद्ध पानी उनको मिल रहा है, जिसकी वजह से मैं जो अपने यहाँ एक सर्वे कराया उसके बाद पता चला डॉक्टरों के यहाँ रिपोर्टें जो आई कि दुद्धी का जो 0 से 5 ईयर्स के जो बच्चों में रोग था वह लगभग 50% कम हुआ। इसका लाभ हमें पानी में सुधार का लाभ इस नगर को मिला। तो सर आप सुधार की बात करते हैं तो क्यों बरसात में ऐसा क्या हो जाता है कि बरसात में ये दुद्धी की जनता जो है बरसात का पानी पीने को मजबूर हो जाती है? चूँकि हमारा जो सप्लाई का पानी है वह सीधे नदी से उठता है और जो ठेमा नदी है वह बरसात के दिनों में कन्हर या ठेमा जो भी आप देखते होंगे जानते हैं कि पूरा मिट्टी ही बह के आती है नदियों में। तो जब पूरा एकदम लाल पानी, मिट्टी का पानी आता है, तो जब हम उसको कलेक्ट करते हैं अपने यहाँ टंकी में, तो जो मेरा सेंड सिस्टम है वह कम्प्लीट उसको साफ नहीं कर पाता, चूँकि एकदम पूरा मिट्टी ही आता है पानी में। अगर ये तालाब से हम पानी उठाते हैं तो हम बेहतर उसको फिल्टर कर लेते, लेकिन नदी के होने की वजह से यह चीज़ें हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे। हमने इनके लिए कई एक्सपर्ट से बात किया कि हम इसको और बेहतर कैसे करें, तो बात भी हुई है, अभी जल निगम के लोगों से भी बात हुई है, तो इसके लिए हम अलग से व्यवस्था करने जा रहे हैं। सर, स्वच्छ भारत अभियान के तहत आप स्वच्छ भारत मिशन के तहत जब हम हमारे आने के बाद, इसके पहले देखिए बहुत ही जनता के बीच में भी लापरवाही थी, मतलब जागरूकता नहीं थी, कचरा जहाँ के तहाँ फेंक देना और कभी भी फेंक देना, सड़क पर फेंक देना, और सड़क पर ही मूल रूप से गलियों में या मुख्य सड़क पर ही लोग कूड़ा फेंकते थे। तो
उसके लिए जागरूकता अभियान हमने चलाया, शहर में लगभग सैकड़ों जगह डस्टबिन लगवाया, हमने 2 वर्कशॉप किया स्वच्छता को लेके, शिक्षा स्वास्थ्य को लेके, एक तहसील ग्राउंड में और एक डिग्री कॉलेज में, जहाँ पे दुद्धी के वरिष्ठ लोगों को, डॉक्टर, बाहर के लोग और तहसीलदार साहब को, SDM साहब थे, इन लोगों के द्वारा बैठा के कि हम इन सब चीज़ों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जागरूक करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जब तक कि हम लोगों की प्रवृत्ति नहीं बदलेंगे, विचार नहीं बदलेंगे, तब तक हम चीज़ों को बदल नहीं सकते। तो सबसे ज़्यादा फोकस हमारा रहा, क्योंकि सुबह हम प्रतिदिन 6 बजे सुबह निकल जाते हैं सड़क पे, गलियों में घूम के देखना, लोगों को जागरूक करना, कूड़ा अगर कोई उठा के हमारे स्वीपर के बाद, अगर कोई सफाई करने के बाद स्वीपर मतलब कूड़ा फेंकता है तो उसको समझाना कि सड़क डस्टबिन नहीं है, कूड़ा कचरे का घर नहीं है, आप मतलब उनको बेहतर तरीके से जागरूक करने का प्रयास स्वास्थ्य मिशन के हम इस स्वच्छता को लेकर किए। 900 से ऊपर लगभग हमने व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया, जहाँ पे डीप एरिया था, जहाँ खुले में लोग शौच करते थे, हम उन जगहों पे जैसे DCF में एक शौचालय का निर्माण कराया, यहाँ मगरिया पोखरा है वहाँ पे निर्माण कराया, इसके बाद आप फिर पोखरा पे निर्माण कराया। अभी तो सर आपने पोखरा में तो निर्माण कराया तो फिर बंद है वे? नहीं बंद नहीं है, बंद है नहीं, नहीं अभी आप चलिए, हम आपको चूँकि 4 है तो 2 खुले हैं और 2 बंद रहते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा लोग उधर जाते नहीं हैं। अच्छा, वहाँ पे पोखरा पर भी शौचालय है, इसके बाद जल निगम में हमारा शौचालय है, इसके बाद बस स्टैंड पे, मतलब वहीं पे लगभग 3 है। खुले में लोग बहुत यहाँ पे सड़क पर पेशाब करते थे। सर स्वच्छता मिशन में आपने बताया कि अपने नगर में बहुत सारे आपने टॉयलेट और शौचालय बनाए, परंतु अभी जैसे ही हम लोग दरामदर के लिए घूमे हैं, उसके सामने अभी एक आपका शौचालय है जी, गंदगी की अभी भी देखा जाए तो गंदगी की अंबार पड़ी हुई है, क्या सफाई वहाँ पर नहीं हो पाती है? अब शौचालय में अब हम तो नहीं जानते कि वहाँ शौचालय गंदा है, अभी उसी को लेके, उस शौचालय को लेके हम आपको एक न्यूज़ दिखा दें यहाँ पे, जो उन्होंने डायर उसको पोस्ट किया है कि सबसे बेहतर शौचालय है वहाँ पे साफ सफाई को लेके। आपकी सर जैसे कि आप नगर पंचायत अध्यक्ष 2 वर्ष लगभग पूर्ण कर चुके हैं, आप नगर अध्यक्ष लड़ने का क्या रीजन था, क्यों आप इस क्षेत्र में आप क्यों आए, क्या आपको लगा कि नगर पंचायत में क्या आपको ऐसी कमी दिखी या फिर क्या कारण है जो कि आपको इस क्षेत्र में उतरना पड़ा? जी, जैसे हम लोग एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते समाज से हमेशा जुड़े रहे, यहाँ के धार्मिक कार्यक्रमों में या राजनीतिक चीज़ों में हमेशा सहभागिता रही, तो हमें महसूस हुआ कि अगर आप अगर कुछ कर सकते हैं तो व्यवस्था बदलने के लिए आपको राजनीति में आना पड़ेगा। तो इसके पहले हम इसी नगर पंचायत में मेंबर भी रहे और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का मैं चुनाव भी लड़ा और वहाँ भी मैं सदस्य रहा, तो उस समय भी हम मुद्दों को लेके, हमारे उस समय में सपा की सरकार थी जब मैं मेंबर रहा, तो राम गोविंद चौधरी जी उस समय यहाँ के प्रभारी मंत्री हुआ करते थे और उस समय के DM संजय कुमार जी थे, तो उनसे हमारी बहुत इस तरह की बातें हुई, जिसे हम यहाँ के चीज़ों को लेके ज़िले पे हमेशा रखा करते थे, क्योंकि यहाँ पे पूरा अराजकता था, कोई किसी का सुनता नहीं था, कभी मीटिंग नहीं, कभी बोर्ड की मीटिंग को ही लेके हम लोगों में मतलब तालाबंदी तक हुई थी हम अपने अध्यक्ष के खिलाफ। तो इस स्थिति में हमें लगा कि नहीं, हमें चुनाव लड़ना चाहिए, फिर भी आकर की लड़ाई भी रह चुकी, 632 कितना बताया आप? 632 मत एक वो भी यहां की चुनाव नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए काफी कांटे की टक्कर माना जाएगा। इस इलेक्शन में आपको बहुत आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे राज्य मंत्री यहाँ रोड शो करके गई थी, तभी इन्होंने इनको टक्कर दिया और भारी मतों से विजय बने। मैं इसके लिए हम तो दुद्धी की जनता को बहुत बहुत शुभकामना देंगे और बधाई देंगे और हम अपने तरफ से उनको, चूँकि उनका विश्वास हम पे रहा, कारण था कि हमारा जो एक फैमिली ग्राउंड है इस तरीके से आता है कि हम लोग यहाँ के स्थानीय हैं और वह हमारे परिवार के बारे में यहाँ के लोग बेहतर तरीके से जानते थे और हमारे व्यवहार को, हमारे चीज़ों को अच्छी तरह जानते थे। राजनीति की शुरुआत आप कब की है सर? राजनीति की शुरुआत हम भारतीय जनता पार्टी के 2009 से, मैं यहाँ पे नगर अध्यक्ष हुआ
उसके पहले मैं नगर इकाई का भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष रहा, इसके बाद 9 से 12 अध्यक्ष रहा, और वो मेरे ही समय में यहाँ का विधानसभा का चुनाव हुआ जो कि हम कम मतों से हारे थे। उसके बाद हमारे नगर उसी समय हम भी यहाँ मेंबर बने अपने सिंबल पर ही, भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव जीत के हम यहाँ पे अपना सदस्य बने थे, और भारतीय जनता पार्टी से ही हमेशा हमारा जुड़ाव रहा है। और आज भी आपके इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी ज़्यादा टक्कर था? हाँ, सीधा था, चूँकि मैं पार्टी में हमें एक जुनून था कि चुनाव हमें लड़ना है, और पार्टी के अंदर भी जब मीटिंग में हुई तो मैंने अपना स्पष्ट मत रखा कि चुनाव हम लड़ेंगे, आप अगर टिकट दें तो भी और नहीं दें तो भी। तो चूंकि अब बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे, राजनीतिक चीज़ें हैं, इसी कारण से हमें टिकट नहीं मिला, तो भी चूंकि मेरा वादा था कि हम चुनाव लड़ेंगे, अपने लोग से मैं कमिटमेंट किया था, इसलिए मैं चुनाव लड़ा और लोग हम पे विश्वास भी किए, और जिसका परिणाम आपके सामने है। सर, आपने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में यह वादा किया था कि हम दुद्धी को एक आदर्श नगर पंचायत बनाएंगे और उत्तर प्रदेश का सबसे सुंदर और स्वच्छ नगर पंचायत बनाएंगे, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा शुरू से मानना था कि देखिए, जब जैसे हम यहाँ के अध्यक्ष हुए, तो अगर चीज़ों को हम नहीं समझ सकते, हम नहीं कर सकते, तो दूसरा आदमी दुद्धी को नहीं सुधार सकता। जो भी सुधारेगा कहीं का आदमी सुधारेगा। तो हमने जब चुनाव जीतने के बाद हमारा जो फोकस था नगर निकाय का, स्थानीय जो होती है सरकार, तो उसमें सफाई की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और पथ प्रकाश की व्यवस्था, यह तीन चीज़ें प्रमुख रूप से हमारा दायित्व है। और आप शहर में जाइए और तीनों चीज़ का मैं आपको चुनौती देता हूँ कि पथ प्रकाश हो या सफाई की व्यवस्था हो या पानी की समस्या हो, ये तीनों में आप प्रश्न पूछ लीजिए हमारे नगर के लोगों से, आपको बेहतर आपको मिलेगा कि हाँ इस 2 वर्ष में काम हुआ है कि नहीं। आप भी स्थानीय हैं, आप भी महसूस करते हैं। सर, सोनभद्र जिले के ये दुद्धीनगर पंचायत सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में आता है, इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है और यहाँ पे मुख्य दार्शनिक स्थल कौन कौन से हैं दुद्धी में? यह देखिए, दुद्धी एक विधानसभा भी है, 403 विधानसभा इसका नाम है, और यह लगभग 4 स्टेट से आपका बॉर्डर टच करता है। मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और इधर बिहार। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम हमारे यहाँ का जो प्रभाव है, हमारे यहाँ से झारखंड के भी लोग आते हैं, हमारे यहाँ से छत्तीसगढ़ के भी लोग आते हैं, क्योंकि मुख्य बाज़ार होने की वजह से और मुख्य जगह होने से तहसील भी हमारे यहाँ, मुंसब कोर्ट भी है, तो इन सब चीज़ों की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ें हमेशा आती रहती है। कई भीड़ें तो होती हैं लेकिन यहाँ पर टूरिज़्म का विकास नहीं हुआ, टूरिज़्म के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? टूरिज्म को लेकर 4 राज्य से ये घिरा हुआ है जी, हमारे यहाँ हमारी टीम लगातार बहुत कोशिश कर रही है। इसमें आपका हम आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे इस मामले में, और लोग महसूस भी कर रहे हैं कि आपके द्वारा जो ये अभियान चलाया गया है, एक नया जागरूकता आ रही है लोगों के अंदर, ये समझ आ रही है कि नहीं यह सब चीज़ें कितनी अच्छी हैं, हमारा दुद्धी कितना अच्छा है और कितना बेहतर हो सकता है, ये आपका प्रयास है और इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। इस विषय में सर आपकी राय जानना चाहेंगे दुद्धी टूरिज्म के बारे में? चूंकि हमारा जो एक लिमिटेशन है दुद्धी नगर पंचायत को लेकर एक अध्यक्ष होने के नाते, तो हमारा जो एक भौगोलिक एरिया है उसमें टूरिज्म को लेकर 2-3 ऐसे स्पॉट हैं जहाँ पे हम डेवलप कर सकते हैं बेहतर। एक तो महुरिया पोखरा का हमारा प्लानिंग है, उस पर काम करना है। इसके बाद बढ़नी नाला है, उस पर हमारा एस्टिमेट बन चुका है और वहाँ भी एक पार्क का निर्माण करना है। एक हमारा पोखरा है शिवाजी तालाब का, जहाँ बोर्ड भी लगा है। तो यह 3 जगहें हैं, और हम जब अपने शहर से बाहर निकलते हैं तो हमारा खेमा नदी है, बहुत ही मनोरम दृश्य है, वहाँ पे खुला नदी है, पहाड़ है, पौधे हैं, तो हम चाहेंगे कि वहाँ भी हम बेहतर क्षेत्र के लिए काफ़ी अच्छा पिकनिक स्पॉट हो सकता है ये खेमा नदी। हाँ, अगर उसको सही नहीं, हम लोग का बचपन जो है वहाँ का ही पिकनिक स्पॉट रहा है, हम लोग वहाँ जाते भी है और शुरू से जाते हैं, ये बहुत बढ़िया इलाका है। लेकिन क्षेत्रीय लोगों के लिए तो पिकनिक स्पॉट है, पर अगर यहाँ की नगर पंचायत कोशिश करे और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक सांसद अगर कोशिश करे तो ये काफ़ी एक अच्छे लेवल पे जी एक पिकनिक स्पॉट के रूप में, क्योंकि 4 राज्य से ये घिरा हुआ है, 4 राज्य से इसके पर्यटन की सुविधा बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। अभी इस मामले में हमने विधायक जी से बात किया, क्योंकि हमारा एक लिमिटेशन है, बजट का भी लिमिटेशन है,
और हम अपना जो भी थोड़ा बहुत बजट है हम बाहर उसको इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते, बात देता है हमारी लीगल मतलब। तो हम विधायक जी से बात इस विषय पर किए दीनी के चीज़ों को देख के, और सांसद जी से भी बात हुई, उनके लड़के हैं राहुल बोल जी, उनसे भी बात हुई है, तो उन्होंने कहा था कि नहीं हम पूरा सहयोग करेंगे। तो अभी कुछ समय बाद लगभग बोलेंगे एक सप्ताह के बाद यहाँ आने के लिए, तो हम सांसद जी को लेके जाएंगे भी वहाँ, और जो हमारा जो एक जोर का हुए एक जगह बहुत ही खूबसूरत यहाँ का वो हिमाचल कहा जाता है जी। तो अब है प्रशासनिक थोड़ा सा अव्यवस्था है लोगों का, क्योंकि हमारे यहाँ है कि सांसद जी मिर्जापुर के रहने वाले हैं, उसके लिए फंड का आवंटन करना, और उनका कोई उस तरह का अभी लगाव भी नहीं हो पाया है, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि उनको ला के दिखाएँ और वहाँ घुमाएँ और चीज़ों को समझें और यहाँ पे आगे का वहाँ का विकास प्रशस्त हो। सर जैसा कि आपके ही क्षेत्र में अभी जो चमनिया क्षेत्र में आता है यहाँ तालाब है, विगत तो लगभग 3 या 4 वर्ष पहले एक बार किसी चैनल के वर्क से हम आए हुए थे, वहाँ पे वोटिंग होती थी, परंतु इस वक्त बंद चल रही है, इसका क्या कारण है? नहीं वोटिंग एक अच्छा क्या है कि लोग वहाँ वातावरण था, शाम में लोग घूमने जा, मौसम जैसा अगर खुशनुमा होने के क्षेत्रीय जैसा लोकेशन उस हिसाब से लोग जाते हैं, लेकिन इस वक्त बंद पड़ा हुआ है। जिसे हम उस समय में जब वो पिछले कार्यकाल में था नाव जो आई थी, तो वह नाव कुछ समय बाद मतलब इस तरह का नहीं रहा जिससे कि लोगों को उसमें डाला जाए। हमारे समय में जो नावें हैं इस समय पड़ी हैं बेकार की स्थिति में, तो हम नहीं चाहते कि कोई इस तरह की घटनाएं घट जाए कि लेने की देनी पड़ जाए, क्योंकि जब तक कोई उचित माध्यम ना हो पानी में भेजने का जाने का, तो इसलिए हम उस पर कोई अभी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वह नाव एकदम रिफ्यूज है आज की स्थिति में। आप जाके देख लीजिएगा वो नाव चलने, चूँकि पैडल मारना था, पैडल ख़त्म है, समाप्त है। तो हमें लगा कि अगर इस तरह का हम मान लीजिए शुरू करते हैं तो कोई घटना दुर्घटना हो जाए, क्योंकि पानी एक ऐसा चीज़ है। तालाब में एक रंगीन लाइट भी लगी हुई है, वो बंद चल रही है, जब से लगी है तब से बंद चल रही है। नहीं लगी ही नहीं है एक्चुअली, क्या हुआ था कि पिछले जब हम छठ में पहली छठ पिछले वर्ष जो हमारे सामने आया, तो पिछले जो कमल कुमार कानू जी हैं, मैंने उनसे कहा कि जो फवारे हैं वहाँ पे पानी में, अगर आप कहते हैं तो उसको मैं लगा दूँ, तो उन्होंने कहा कि भाई नगर पंचायत का नहीं है। लगभग 2 वर्ष पूर्ण हो चुका है, अभी तक का आपका कार्य कैसा रहा, आने वाले 3 वर्षों में आप नगर के लिए कुछ नया क्या करने वाले हैं? हाँ बड़ा अच्छा यह प्रश्न है आपका। अभी हमारा कुल 12 दिसंबर को 2 वर्ष हो जाएंगे, और लगभग 2 वर्ष हो ही गया। अभी तक का जो कार्यकाल मेरा रहा, हम मानते हैं कि जो स्थानीय समस्याएं थी सफाई पानी पथ प्रकाश को लेके, ज़्यादा मेरा उसी पर फोकस रहा, लेकिन अब का जो कार्यकाल मेरा है वह बेहतर करने का, जैसे विकास कार्य को लेके, जैसे एक टाउन प्लानिंग का हमारा कंसेप्ट है कि एक सर्वे करा के एक अच्छे उसका एक बनाया जाए कि हमको कहाँ कहाँ क्या क्या व्यवस्था करना है। इसके लिए हम जो का जो है प्लानिंग रहता है वो पेपर भी रहता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपने लिए एक विशेष प्लानिंग बनाएं, जमीनी स्तर पे आप करके देना चाहते हैं जनता के बीच, तो उसका जिसे कई चीज़ों को लेके अब हमारा काम करना अब शेष रह गया है, जैसे पार्कों का निर्माण है, और एक जैसे हमारी नालियां हैं छोटी छोटी नालियां हैं, हम उन नालियों को एक सेंटर में ला के बड़े नालियों के बीच में ला के उसका कहीं ना कहीं एक सेंटर बना के, जहाँ पे पानी हम जहाँ भी गिराएं अपने बॉर्डर पे सीमा क्षेत्र के बाहर, वहाँ पे उस पानियों का जो है प्यूरीफाई किया जाए। हम नाली आज बहाते हैं खेत में जाता है, लेकिन उन चीज़ों को हम चाह रहे हैं कि एक नालियों को जोड़ते हुए एक मेन जगह गिरा के उन पानी को जो नाली का पानी जा रहा है उसका हम प्यूरीफाई करके किसानों को एक दे दें, जहाँ से गंदगी का कहीं नामो निशान न हो। सफाई के कूड़ा का जो निस्तारण का हमारा है, एक डुमडिया में भूमि आवंटन हो चुका है हमारा, तो वहाँ पे भी CNDS का काम भी अब शुरू होने वाला है, तो जो कूड़ा निस्तारण केंद्र वहाँ पे बनने वाला है, तो वहाँ से अब लगभग इस साल 2020 तक वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा।
राज्य सरकार की लगातार कोशिश है प्लास्टिक मुक्त अभियान, उसके तहत दुर्दी नगर पंचायत में कितने कंप्लीट हो गया सर? हमारे यहाँ आप मार्केट में जाएंगे तो आप प्लास्टिक नहीं पाएंगे, जो वन यूज पेपर है, जो प्लास्टिक है, हमारे नगर में ये मुक्त हो चुका है। हम कई जगहों पे गए लेकिन अब उस चीज़ को हम नहीं पाते। हाउस टैक्स क्या है, हाउस टैक्स पे आपकी क्या राय है, इससे नगरवासियों को क्या लाभ होगा आने वाले समय में? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। हाउस टैक्स एक तो उत्तर प्रदेश सरकार का एक हमारे ऊपर बाध्यता है कि हम अपने यहाँ निकायों में लागू करें, यह पूरे उत्तर प्रदेश निकायों पर लागू होता है, ये हमारे यहाँ की बाध्यता। जिन निकायों ने लागू किया उनका बजट आवंटन होता रहा, और जिन निकायों ने लागू नहीं किया था उनका बजट अगस्त से रोक दिया गया कि आप अपने यहाँ अगर लागू नहीं करते तो हम आपको कोई अपने यहाँ से फंड नहीं देंगे। तो अब इसी स्थिति में क्या था कि हमारे यहाँ के जो कर्मचारी थे वो बिना वेतन के ही दशहरा बिताए बेचारे, वो मतलब हम उनको वेतन नहीं दे पाए, तो ये हमारी बाध्यता है। तो हमने उसका निर्णय लिया कि नहीं, हाउस टैक्स भाई अनिवार्य हो गया तो लगाना जरूरी है, तो एक टीम आई है सर्वे करिए, और हमें लगता है कि दिसंबर तक हम कंप्लीट हाउस टैक्स लगा देंगे। फायदे की जहाँ तक बात है हाउस टैक्स से, तो ज़मीनें जैसे एक हमारे यहाँ जो दुद्धी का क्षेत्र है, प्लांट नहीं है, जो विकास यहाँ हो रहा है अनियमितता है ज़्यादा, कहाँ कौन घर बना देगा, वहाँ सड़क है कि नहीं, नाली है कि नहीं, बिना चिंता किए लोग घर बना रहे हैं, क्योंकि कृषि भूमि ज़्यादा है यहाँ इसलिए लोग। अच्छा, उसका क्या हुआ कि जो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हमें लगता है कि नगर बजाय दुद्धी में ही लगभग 3000 आवास यहाँ पर बन रहे हैं। अब 3000 आवास यहीं पर बन रहे हैं, तो यह अनियोजित विकास जो है, बिना सड़क बिना नाली का जो विकास हो रहा है, तो अराजकता ज़्यादा फैल रही है, पानी कहीं डंप हो रहा है, कूड़ा कहीं फेंका जा रहा है। तो हम एक नियमित एक वर्गीकरण करके कि हमारे यहाँ कमर्शियल कितने आवास हैं, हमारे यहाँ कितना रहायशी इलाके हैं, कहाँ कहाँ क्या स्थिति है, तो हम इसको सूचीबद्ध करना चाहते हैं। और उससे क्या होगा कि निकाय मजबूत होगा, आय बढ़ेगा। सरकार अगर हमारा फंड रोकती भी है तो हम अपने दम पे, अपने आय के दम पे हम लोगों को सुविधा दे सकते हैं, सफाई की व्यवस्था हो, प्रकाश की व्यवस्था हो, या पानी की व्यवस्था हो, हम डिपेंड नहीं होंगे सरकार पे, एक तो ये हो गया। दूसरी बात, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि परिवार रजिस्टर नहीं है, आप कोई डेथ किया पता चला कि उनके खाते में फंड मतलब बैंक में खाता है, अब वो बैंक वाले तब तक नहीं देंगे उनके वारिस को जब तक कि हम अपने यहाँ से उनको एक लेटर न दें कि हाँ ये हैं और इनके परिवार के हैं। तो हमारे यहाँ परिवार रजिस्टर नहीं है, परिवार रजिस्टर न होने की वजह से हमको लिख के देना पड़ता है कि हमारे परिवार रजिस्टर उपलब्ध नहीं है। तो एक लाभ ही होगा कि जब हमारे यहाँ पूरे आंकड़े आ जाएंगे तो परिवार रजिस्टर भी हमारे यहाँ बन जाएगा। उसके बाद हम एक टाउन प्लानिंग का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हम जब हमारे पास आंकड़े आ जाएंगे कि कितने भवन हैं, कहाँ कहाँ हैं, कितने खाली ज़मीनें हैं, तो हम उस हिसाब से अपना एक योजना बनाएंगे। तो हाउस टैक्स का ही फायदा है। तीसरा फायदा ये है कि हमारे यहाँ जो ज़मीनें हैं बहुत इस तरीके के हैं कि लोग रहते हैं कब्जा, मतलब हमारा घर है, नाम किसी का है कागज़ पे राजस्व विभाग में, तो अगर हमने हाउस टैक्स लेना शुरू किया और आप दे रहे हैं हाउस टैक्स, तो पता चला कि अगर 10-20 साल बाद कभी विवाद की कंडीशन में जब आप न्यायालय में जाएंगे यहाँ के लोग, तो वह हाउस टैक्स का जो पर्ची रहेगा वह कोर्ट भी मानेगा कि आप इतने दिन से उस मकान में रह रहे हैं इसलिए वो आपका है। तो यह सब चीज़ें यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा। अध्यक्ष जी से मैं ये पूछूंगा कि तहसील गेट के पास जो खंडहर था, जो दुद्धी का कोढ़ माना जाता है, उसको आपने तो तोड़वा दिया, सब साफ सफाई भी करा दी, बहुत आपको धन्यवाद, स्वच्छता अभियान के तहत भी बहुत बढ़िया काम किए, लेकिन उसका अभी तक विकास नहीं हो पाया या सुंदरीकरण बढ़िया ढंग से नहीं हो पाया है, जिसे उचित है। हम जब चुनाव जीते तो वहाँ पे मार्केट में जब भी आपको आता बाहर से तो वो खंडहर पूरा था, वहाँ पे लोग खुले में शौच करते थे उसके अंदर। तो हमने तत्कालीन वो थे हमारे अभी तहसीलदार साहब शशि भूषण जी, तो मैंने उनसे बात की कि साहब बहुत गंदगी है और बहुत ख़राब दिखता है, किसी भी घर के लिए जैसे खंडहर आप शगुन होता है, उसी शहर के लिए कोई भी एरिया का खंडहर हो तब शगुन होता है, तो इसको साफ़ कराया जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है साफ़ करा दीजिए, लेकिन वहाँ निर्माण जो है पार्क का कराना होगा। तो हमने कहा हम पार्क नहीं करते, उसी निमित्त हम तहसील के अंदर भी एक पार्क का निर्माण करवाए हैं, और उसके बाद यहाँ खंडहर जो है साफ करा के पूरा ज़मीन खाली कराए। बहुत कब्जे भी थे लोगों के,
लोग बढ़ते जा रहे थे लगातार सरकारी जमीन होने की वजह से, तो हमने उसका बाउंड्री वॉल भी कराया और उसके बाद वृक्षारोपण भी मैंने वहाँ करा दिया। अब आगे का जो प्लानिंग है मेरा एक, लेकिन एक 860 में कि पार्क का निर्माण एक हम मुख्य रूप से वहाँ करने जा रहे हैं। हमारे ख्याल से चंद्रशेखर आजाद जी का एक बड़ी मूर्ति लगेगी वहाँ और पूरा फवारा लगेगा और चिल्ड्रेन पार्क का भी निर्माण होगा। टूरिज्म को सर बढ़ावा मिलेगा दूसरी क्षेत्र में, इससे जो है लोगों को आकर्षित करने में हम सफल रहे। ये रही नगर पंचायत अध्यक्ष राजकुमार अग्रणी जी से हमारी खास बातचीत। लगे रहिए, आप जुड़े रहिए, आप सुखी रहिए, खुशी से रहिए। आपका अध्यक्ष जी बहुत बहुत और आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी बातों को रखा। धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।